बचपन से सर पे अल्लाह का, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहन, हम जहाँ पे खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू। सही बात सही वक्त पे की जाए तो उसका मजा ही कुछ और। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है, तुम्हारे पास क्या है? He is the genie the industry has needed each time Bollywood has required a definite hit. जी हाँ, हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे स्टार्स आए हैं गए हैं, लेकिन ये एक ऐसा चमकता सितारा है जो हमेशा से बॉलीवुड के आसमान में चमकता रहा है और आगे भी चमकता रहेगा। He is also that genie जिनको मिलने की ख्वाहिश हर कोई रखता है। अगर आप कंफ्यूज हैं, डोंट बी, थोड़े और क्लूज देते हैं हम आपको। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। एंग्री यंग मैन बने, कभी इन्होंने हमें हंसाया तो कभी रुलाया। इंटेंस रोल्स हो या रोमांटिक रोल्स, इन्होंने हर रोल को बखूबी निभाया। कभी जादूगर बनके इन्होंने हम पर अपना जादू चलाया तो कभी नेगेटिव रोल्स करके या भूतनाथ बनके इन्होंने हमें डराया। जी हाँ, बड़े से बड़े स्टार के आइडल और हसीनाओं के दिलों पर आज भी राज करने वाले बॉलीवुड के शहंशाह, ही इज इन हिमसेल्फ द बिग बॉलीवुड, द बिग बी, द वन एंड ओनली मिस्टर अमिताभ बच्चन। अब इनको सुपरस्टार कहना जरा कम लगता है। Yes and always will be the mega star of Bollywood. Like this. Boom biri boom biri biri boom boom biri boom biri boom boom. Mr. Bachchan, welcome to a special show जो हमने खास आपके लिए क्रिएट किया है, the mega star show, because आपके लिए सुपरस्टार काफी नहीं पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये स्पेशल शो किया, लेकिन इतने बड़े खिताब देने की कोई जरूरत नहीं थी। नहीं, आप बस केवल इतना कह देती कि एक शो कर रहे हैं, एक शो कर रहे हैं, लेकिन खास इनके लिए। आई थिंक कुछ 40 साल हो गए आपको इंडस्ट्री में। जी, पूरे 40 साल। पूरे 40 साल। तो क्या कभी ऐसा कोई वक्त हुआ है जब यू सेड अब मैं आई थिंक मैं बोर हो चुका हूँ एक्टिंग से, अब कुछ और? ये एक कलाकार के लिए ऐसा सोचना मैं समझता हूँ ठीक नहीं होगा। अगर मैं अपने आप को कलाकार कहने की जरूरत आप जरूर कर सकते हैं प्लीज, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रतिदिन कलाकार को ये सोचना चाहिए कि मैं आज क्या कुछ नया कर सकता हूँ, क्या कुछ नया सीख सकता हूँ। you know, like, क्योंकि जो नई जनरेशन है एक्टर्स की, आजकल काफी मतलब लाइक बर्नआउट होता है, 2-3 साल का ब्रेक होता है, अब हम सिर्फ साल में एक ही फिल्म करेंगे। यू हैव नेवर फेल्ट द नीड टू लाइक अच्छा भाई हम थोड़ा जरा इजी लें जिंदगी को? उनके पास उम्र है, हमारे पास उम्र नहीं है। वो शायद ऐसा सोच सकते हैं और उनको अधिकार है ऐसा सोचने का, और प्रत्येक कलाकार को ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपने बारे में सोचे कि वो किस तरह अपना जीवन जो है वो बिताना चाह रहा है, अपने करियर को किस तरह से वो संभालना चाहता है। उनकी नजर में ऐसा ठीक है तो वो सही है। तो ऐसा कोई रोल बचा है जो शायद आपने नहीं किया हो? मैं तो चाहूंगा कि ये एक चुनौती बनी रहे हमेशा कि कोई ना कोई एक नया रोल मेरे सामने आए। हर बार ऐसा सोच लेना कि हमने सब कुछ कर लिया, ये भी एक तरह का घमंड हो जाता है, और ऐसे और घमंड को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए कलाकार को। मैं ऐसा मानता हूँ कि अवश्य कोई किसी जगह में या किसी के दिमाग में ऐसी कोई एक ऐसी ऐसा किरदार होगा जो मेरे बारे में सोचे और कहे कि साहब ये आपने नहीं किया ऐसे आप कीजिए, तो ये एक चुनौती बन जाती है हमारे लिए। और हर कलाकार को मैं ऐसा मानता हूँ चुनौती जो है वो बहुत ही पसंद है। इस फिल्म में आप जीनी बने हैं और हमारे हिसाब से फिल्म इंडस्ट्री के लिए आप वो जीनी हैं जिनकी जरूरत तब पड़ती है जब एक डेस्परेट हिट की जरूरत होती है। तो ये प्रेशर कभी ये ऐसा आपका सोचना भी गलत है। ऐसा कुछ होता नहीं है, और बहुत से धुरंधर कलाकार हैं जिनकी फिल्में चलती हैं और लोग उन्हें देखने जाते हैं। मैं केवल एक कलाकार हूं, अगर मेरी जरूरत पड़ती है किसी फिल्म में किरदार को निभाने के लिए तो मैं उसमें अपनी पेशगी दे देता हूं। अब इस इरादे से नहीं कि ये फिल्म हिट होनी ही चाहिए मेरी वजह से, बल्कि हाँ बल्कि इस वजह से कि जो किरदार मुझे दिए गया है निभाने के लिए उसमें मैं ठीक तरह से बैठ पाता हूँ या नहीं। हर एक कलाकार और हर एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब यही चाहते हैं कि उनकी फिल्में चलें हिट हों, और हम भी यही चाहते हैं, लेकिन इस वजह से काम करना सिर्फ केवल इसलिए कि इसको हिट ही करना है, ये ऐसा सोचना ठीक नहीं होगा।
आई नो आपसे लोग, बहुत सारे लोग रोज मिलते होंगे, किस लाइक इफ यू गो विद अ परसेंटेज, कितने प्रतिशत लाइक लोगों ने आपसे कहा है सर मेरे पास एक स्क्रिप्ट है और एक रोल है जो सिर्फ आप ही अदा कर सकते हैं, अगर आप हमारी फिल्म कर देंगे तो? या लोग कहते हैं ऐसा, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अगर वो किरदार, अगर वो मुझसे मिलने आए हैं तो जाहिर है कि वो मुझे वही किरदार देंगे जिसके, जिसको वो समझेंगे कि मैं लायक हूं इसके लिए, वरना वो मेरे पास आते नहीं। तो ऐसा मान लेना कि इतने प्रतिशत लोग आते हैं केवल इसी नहीं, नहीं, जो लोग ऐसे मतलब मिल जाएं आपको किसी रेस्टोरेंट में, मेरे पास स्क्रिप्ट है। नहीं, ऐसे रेस्टोरेंट में तो कोई नहीं मिलता मुझे। लेकिन हाँ, लोग आते हैं या संदेश भेजते हैं कि वो मिलना चाहते हैं, स्क्रिप्ट है उनके पास। आई रेड समवेयर आपने कहा था कि एक्टर्स जो होते हैं वो वॉयर्स होते हैं, और अक्सर यू हैव कॉट योरसेल्फ के फ्यूनरल्स पर भी ऑब्जर्विंग पीपल के वो सैडनेस के साथ कैसे डील करते ताकि आप बाद में इस्तेमाल कर पाएं। डू यू स्टिल डू दैट, एंड डिड दैट हेल्प इन प्लेइंग अ जीनियस? आई सेड दैट नॉट एज ए डिलिबरेट एक्शन और अ हैबिट। आई सेड दैट मोस्ट ऑफ अस, मोस्ट एक्टर्स get into a situation and quite inadvertently, not deliberately, things start registering in their mind which remains with them for quite a while. And I think that sometimes when we are enacting a role or a sequence or a portion that is connected with a particular scene, and if those images that we may have imbibed at some informal moment get revived, then quite by accident or automatically those feelings come out. It's not a deliberate habit. And okay. I don't think that we go to a funeral just because we want to observe. No, not at all. Or we go to a wedding just because we want to observe people's behavior. No, I think that these things just happen. I was saying that... You've caught yourself doing that. It's quite inadvertently that these things kind of registered in your mind. Yes. So, jaise agar har actor real life se koi na koi inspiration leta hai, to genie ka kirdaar nibhane mein, matlab, what would you rely on? Ab ye to... जिन्होंने इस किरदार को लिखा है वो उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। जो बचपन में हमारी यादें रही हैं जीनी के साथ और जो अलादीन की कहानियां हम लोग पढ़ते आए हैं, तो उसमें जिस तरह से उसको निभाया गया था उसको थोड़ा सा सोच लेते हैं कि शायद इस तरह उसने किया होगा। लेकिन आमतौर पर हम निर्भर रहते हैं जो लेखक होते हैं और जो वो कहते हैं या जिस तरह से वो लिखते हैं, तो उनकी लिखी हुई बात को हम लोग निभा देते हैं। आपसे मिलने वाले, आई थिंक हर एक इंसान कहता होगा मैं तो आपका सबसे बड़ा फैन हूँ। Have you ever thought के शायद ये बंदा मेरा सबसे बड़ा फैन है? मैं तो ऐसा मानना चाहूंगा कि अगर मुझसे कोई ऐसा कहता है तो वो सच ही कह रहा है। Oh, okay. Then everybody is definitely Mr. Bachchan's biggest fan. हमने सुना ये जो अलादीन है, it is a modern day story. जैसे हमने बचपन में जैसे अलादीन की कहानी पढ़ी थी, उसमें तो जीनी काफी मोटा सा था, गंजा भी। इसमें भी मोटा ही है जीनी। But this is a modern story है, मतलब अलादीन किसी छोटे गांव में नहीं रहता है। जी हाँ, जिस जमाने की बात कहानियों में पढ़ी थी, पुराने जमाने में, और जो किताब में पढ़ी थी, वो जमाना नहीं है। ये एक अलग ही एक वातावरण सुजय घोष के डायरेक्टरों ने बनाया है। ये एक इमेजिनरी एक शहर है, एक एरिया है भारत में, और हालांकि सब लोग बड़े कंटेम्प्रेरी हैं, जिस तरह से हम और आप पोशाक पहने हुए हैं वैसी पोशाकें पहनेंगे और बात भी वैसे ही करेंगे नॉर्मली, लेकिन छोटी छोटी बारीकियां उसमें से थोड़ी सी अलग दिखाने के लिए कि ये है भी और नहीं भी है। Okay. I believe कि लोगों को लग रहा है कि शायद कुछ हैरी पॉटर टाइप ट्रीटमेंट दी गई है इस फिल्म को। नहीं, हैरी पॉटर टाइप नहीं। अब क्योंकि जीनी है तो जाहिर है थोड़ा बहुत जादू तो उसमें होगा ही। So, and I also know कि इस फिल्म में आपको काफी मतलब भाग दौड़ करनी पड़ी, काफी स्ट्रेनुअस रहा। हाँ, बड़े सालों के बाद एक्शन करना पड़ा और इस उम्र में एक्शन करना जरा मुश्किल हो जाता है, लेकिन बहुत से अच्छे अच्छे यंत्र बन गए हैं, तार बांध करके यहाँ से वहाँ कुदा देते हैं और स्पेशल इफेक्ट से पता नहीं क्या क्या जोड़ देते हैं, गायब कर देते हैं, तो थोड़ा सा काम आसान हो गया है। जिस जमाने में हम लोग कम उम्र के थे और एक्शन वगैरह करते थे, उस जमाने ये सब यंत्र थे नहीं, तो सब कुछ अपने आप ही करना पड़ता था। ये महीने
है आपके बर्थडे का महीना और आपका जन्मदिन तो भाई नेशनल इवेंट है, हर किसी के घर में मनाया जाता है. आर यू इनटू योर बर्थडेज? लाइक आई लव माय बर्थडे. वी ऑल लव आवर बर्थडेज बिकॉज़ अनदर ईयर हैज गॉन बाय. बट यस, इट्स एन एक्साइटिंग मोमेंट टू बी विद द फैमिली एंड बी एबल टू मीट योर फैंस. एंड सबसे खास जन्मदिन कौन सा रहा? सभी खास हैं जी. यू नेवर फील हाय हाय एक और जन्मदिन इन पूरी दुनिया पता नहीं क्यों मेरा जन्मदिन मनाती है. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. पूरी दुनिया मनाती भी नहीं. नहीं मनाते हैं, मनाते लेकिन हाँ, जन्मदिन जो है वो एक खुशी का अवसर है घर में. इतने सालों में क्या कभी भी ये ख्याल आपके दिमाग में नहीं आया कि शायद आई वांट टू बी अ डायरेक्टर एंड व्हाई डिड यू नेवर डू इट? डायरेक्शन आती नहीं है मुझे. मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये लोग किस तरह डायरेक्शन करते हैं, क्योंकि ये काम मैं तो कभी समझ नहीं पाया हूँ ना ही संभाल पाया हूँ. और मुझे तो नहीं लगता कि मैं कभी ऐसा कर पाऊंगा. really? मुझे आता ही नहीं है वो काम. अच्छा. आई रियली डोंट नो कि क्या सोच के वो कैमरा लगाते हैं या सेट इस तरह का बनाते हैं, कैमरा ट्रॉली इस तरह. हाँ, जब वो लगा लेते हैं और जब हमको कुछ करने को कहते हैं तो कभी कभी हम लोग डिस्कस करते हैं, आपस में बातचीत होती है कि इसको अगर मैं ऐसे करूं या वैसे करूं तो कैसा रहेगा, वो अलग बात है. लेकिन शुरुआत जो होती है उस सीन की, वो कैसे सोचते हैं कि ये यहाँ से शुरू होगा और यहाँ खत्म होगा, वो नहीं समझ में आती. और ना ही मुझमें इतनी काबिलियत है कि मैं वो कर सकूं. अच्छा, he still remains modest and, नहीं, seriously, जो अगर ये जरूरी नहीं है कि क्योंकि आपने 40 साल फिल्मों में काम किया है कलाकार की हैसियत से कि आपको डायरेक्शन भी आना चाहिए. Like you not like looked and learned and we have looked and we look every day and we hear and we see, but that still doesn't qualify you to become a director. Okay, fine, don't be a director, just continue to act. Now. मैंने ये भी पढ़ा था कि आपको न्यू कमर्स के साथ काम करने में बड़ा मजा आता है. सो देयर इज जैकलीन इन दिस फिल्म. रितेश के साथ तो आप पहले काम कर चुके हैं. व्हाट इज शी लाइक? शी इज जस्ट अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, इफ आई कैन से दैट, इनटू द यूनिट, बिकॉज़ शी इज जस्ट अ वेरी नॉर्मल एंड अ वेरी फ्रेंडली एंड हैज नो बैगेज और no luggage on her and she's come from a different nation. Jee. She's Sri Lankan and she's spent most of her life out of Sri Lanka as well. And she has worked very hard. Bhasha seekhi hai, yahan ke taur tareeke seekhe hain. Aur bahut hi acche, halke, khule dimag ki ek choti si bachchi. Aur hum sab बहुत उसे पसंद करते हैं. okay. और हम उसके लिए ये प्रार्थना करते हैं कि ये फिल्म जो है उसको खूब उन्नति दे. डेब्यू जो हुआ उनका. जी हाँ, जी हाँ. तो आपकी जो मतलब कितनी टेरिफिक कमांड है ओवर द लैंग्वेज, डिड शी कम टू यू एंड से आप मेरी भाषा सुधारिए? नहीं, वो अच्छी खासी भाषा बोल रही. आप कभी हॉलीवुड में क्यों नहीं गए? और when do we get to see you with, like them get to see you? ऐसा कहकर आप, मैं कई बार इसका उत्तर देने में से, I think the reason we want you to do this is क्योंकि हम आपको show off करना चाहते हैं. जी जी. कि ये है हमारे. लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इसमें ऐसा लगता है कि हम सब ने मान लिया है कि हॉलीवुड जो है वो एक बहुत ही ऊंची और अंतिम जगह है जहां हम सबको जाना चाहिए. मैं ऐसा मानता हूँ कि हमें अपने अपने काम पर, अपने देश पर, हमारे देश में जो चीज़ें बनती हैं उस पर गर्व करना चाहिए. इतना ही काफ़ी है कि हम लोग विश्व की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री हैं, सबसे ज़्यादा फिल्में यहाँ बनती हैं. जी. और मुझे गर्व है इस बात का कि मैं भारत की फिल्म इंडस्ट्री का एक सदस्य हूँ. और यदि कभी किसी और जगह से मुझे न्योता मिला या अवसर मिला और अगर मुझे लगा कि मैं वहाँ काम कर सकता हूँ तो अवश्य काम करूँ. लेकिन
ये एक ध्येय बना लेना, ये एक लक्ष्य बना लेना कि मुझे वहां जाना है, कहीं ना कहीं मैं अपने आप में ऐसा सोच रहा हूँ कि वो हमसे ज्यादा बेहतर है, ज्यादा अच्छे हैं, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं। It's not about कि वो हमसे बेहतर है, it's one कि देखिए हमारे स्टार ऐसे हैं और इनमें आप तो सुपरस्टार हो, तो मिलेनियम भी रह चुके हो, तो समय होगा और अगर अवसर मिलेगा तो अवश्य काम करेंगे और उनको देखने का अवसर मिलेगा कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत से सक्षम बहुत ही अच्छे एक्टर्स हैं। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि हम किसी भी दृष्टिकोण से उनसे कहीं कम है, मैं ये भी नहीं मानता हूँ कि हम उनसे कहीं ज्यादा है, लेकिन बराबरी का मुकाबला है। जी जी। अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर, हमारा खुशकिस्मत ही कि तुम्हारे जैसे बड़े ऑफिसर ने हमको याद किया, हमारे लायक कोई खिदमत। तुम्हारा नाम शेर खान है? इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना शेर खान को कौन नहीं जानता। खैर अब मुलाकात हो गई। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। साहब आज तक शेर खान से किसी ने इतनी बड़ी बात नहीं कही कि तुम नहीं, तुम्हारी वर्दी तुम्हारी कुर्सी बोल रही है। जिस दिन ये वर्दी ये कुर्सी नहीं होगी उस दिन तुम नहीं साहब। यू नो यू हैव सच अ लवली लिटरेरी बैकग्राउंड, लाइक कितनी आप पढ़ चुके हैं, यू नो हैज इट एवर हेल्प्ड यू, लाइक कभी कंट्रीब्यूट किया है इन योर करियर एज एन एक्टर? डज इट हेल्प कितनी एजुकेशन रही है और इतना हम पढ़े हैं और इतनी? अब क्योंकि हमारी फिल्मों की भाषा हिंदी है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जो हिंदी लिखी जाती है हमारे लिए और जिसे हमें बोलना पड़ता है, उसे कम से कम सही ढंग से बोल पाएं तो यही बड़ी गनीमत होगी। कोशिश तो रहती है कि हम लोग सही ढंग से बोल पाएं, और मैं जानता हूँ कि अभी भी मुझ में और बहुत सी ऐसी कमियाँ हैं कि हम लोग सही ढंग से हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन हाँ ये हमेशा एक टेस्ट हमारे मन के अंदर लगा रहता है कि हम लोग सही कर रहे हैं, सही बोल रहे हैं या नहीं। नहीं बट लाइक बिकॉज़ यू आर सच अ एजुकेटेड मैन, आई एम श्योर उसका कुछ तो असर पड़ता है कि आप अगर आपने कुछ काफी अच्छे हिंदी के ग्रंथ पढ़े हैं या उसके साहित्य के साथ आपका लगाव रहा है या कविता के साथ लगा, तो कहीं ना कहीं आपके बोलने के ग्राफ में या जिस तरह से आप उस भाषा का जो टोन होता है उसको सही तरह से प्रकट करना, वो उसमें थोड़ा बहुत तो फायदा होता ही है। लेकिन अगर हम कोई ऐसा किरदार कर रहे हो जिसमें भाषा की जरूरत ना हो या ऐसी भाषा की जरूरत हो जो कि जाहिर है कि ना आती हो या हिंदी प्रांत की ना हो, कहीं और प्रांत की हो, तो फिर उसमें थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ता है। You see, the whole country of the system is juxtaposition by the hemoglobin in the atmosphere because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own babasate. क्या आपको पता है कि एक I think there is a fact कि हर हिंदुस्तानी आपके बारे में रोज कम से कम एक बार जरूर सोचता है। हिचकियां आती हैं? नहीं, हिचकी तो नहीं आती है। तो ये फैक्ट कैसे प्रूव किया जाए? ये तो गलत होगा। गलत तो बिल्कुल नहीं है। हमने सुना कि आईफा में आप अलादीन की एक एक्ट करने वाले थे, लेकिन क्योंकि रिहर्सल्स काफी नहीं हो पाए, देन उसे मैं नहीं करूंगा। कुछ बात चली थी कि इसका प्रदर्शन करना चाहिए अलादीन का, लेकिन बहुत देर में उन्होंने निर्णय लिया और फिर सही है कि उसके लिए अब रिहर्सल करना, किस तरह से उसको उस एक्ट को परफॉर्म करना, वो सारी सब दिक्कतें आ जाती हैं, तो शायद इस वजह से ये सोचा गया कि अब इसके ना ही करें अभी तो। Is that because आप एक perfectionist है? और नहीं, ये नहीं, अगर जनता के सामने हम कुछ लेकर के जा रहे हैं तो जाहिर है कि हमें उसे खूबी से निभाना चाहिए, और अगर उसके लिए रिहर्सल्स की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है, तो उसे करना चाहिए। बचपन से सर पे अल्लाह का, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहन, हम जहाँ पे खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू। सही बात सही वक्त पे की जाए तो उसका मजा ही कुछ और। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है, तुम्हारे पास क्या है?